आज राम के जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है और एक बड़ी माया क्रिएट हुई, एक बड़ी माया की रचना हुई। माया क्या? माया, माया ऐसा कि एक ऐसा हिरण, एक ऐसा पशु हिरण के रूप में जो सोने का है। अब ध्यान से समझना। और सोने के मृग को देखकर सीता जैसी निष्काम स्त्री कह रही है कि मुझे इस मृग चाहिए, ये इस मृग की चर्म चाहिए मुझे। राघव क्यों? क्योंकि ये सोने का है। जिसके घर में दीवारें, खंभे, रोड फर्श सब सोने की थी, जो चक्रवर्ती राजा की पुत्री, चक्रवर्ती राजा की बहू और चक्रवर्ती राजा की ही पत्नी, सब त्याग दिया, एक सिंगल वस्त्र में चले आए, आभूषण भी नहीं लाई। एक मुद्री थी वो भी केवट को पकड़ाने लग गई। कुछ चंद आभूषण जो मार्ग में किसी ऋषि पत्नी ने दिए। सोने से मोह ही नहीं था जिसे, संपत्ति एक क्षण में जिसने त्याग दी, त्याग की प्रतिमूर्ति। वो क्या कह रही है? वो कह रही मुझे ये मृग चाहिए क्योंकि सोने का है। ये प्रताप किसका है? ये संकटों का प्रताप है, ये माया का प्रताप है, ये राक्षसीय प्रताप है। संकटों में कभी भी ऐसा दर्शन, ऐसी चीजें मत देखना जो तुम्हें लोभ देती हो। क्यों? क्योंकि लोभात पापस्य कारणम। पाप होगा कब? तुम दुखी होगे कब? जब तुम लोभी हो जाओगे। बड़े सारे लोग फोन ऑन करके कुछ कुछ पैसे डलवा लेते हैं, सोना चांदी बेचने के नाम पे पैसे डाल लेते हैं, पॉलिसी बेचने के नाम पे पैसे ले लेते हैं। भ्रमित मत होना। जब तुम बहुत लालच में पड़ते हो, जब तुम बहुत लोभ में पड़ते हो, तो तुमसे गलतियां होती हैं और तुम्हें लोग छल लेते हैं। साफ लिखा है, असंभवं हे मृमगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्रायः समापन न विपत्ति काले धियोर्पि पुंसा मलिनी भवन्ति।